हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा हनी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली मम्मी के घर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं घर नहीं गई हूँ मम्मी से मिलने। और यहाँ पे मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, बाबू के कपड़े रख लिए हैं और उसके डायपर्स रख लिए हैं। दो डायपर मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि उसको रास्ते के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और इस साइड मैंने अपने कपड़े पैक किए हैं, इनका भी बैग रेडी करना है। अभी इसमें इनके कपड़े रेडी होंगे, मेरे कपड़े इसमें आ गए, मेरे और बाबू के बैग में रेडी हो चुके हैं और ये मेरा बैग रेडी हो चुका है। इनका भी बैग लग चुका है और हम सब रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाबू को भी रेडी कर दिया है और ये रेडी हो रहे थे, ये रेडी अभी नहीं हुए थे। और हम लोगों की 10 बजे की बस थी तो हम लोग 9 बजे निकल गए थे घर से, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो इस वजह से हम लोग टाइम से अपना 9 बजे निकल गए थे, क्योंकि हमें वहाँ 9:30 बजे तक विज़िट करना था। और हम लोग देखो निकल गए हैं, रास्ते में हैं। हम लोगों को बस पकड़नी है फजलगंज से, जो कि घर से आधे घंटे का टाइम लगता है पहुंचने में। अगर ट्रैफिक ना हुआ तो आधा घंटा लग जाता है पहुंचने में। और थोड़ी थोड़ी पता है बारिश भी हो रही थी जब हम लोग घर से निकले हैं, अच्छा लग रहा था। और हम लोग पहुंच गए फजलगंज। हमारे यहाँ से बस बुक थी, जो हमने कल्पना ट्रैवल से बुक की थी इमरजेंसी में, क्योंकि ना काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे जाना है बट हम जा नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इनसे बोला कि चलते हैं, बहुत टाइम हो गया ट्रेन में ठीक मतलब रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, तो फिर बस से हमें करना पड़ा था। और हम बस से निकल गए थे, मतलब बस में हमारी टिकट हो चुकी थी। अभी जब गाइज ये वाली बस निकलेगी तब हमारी वाली बस आएगी जिसमें हमें ट्रैवल करना है। अभी ये किसी और गाइज हमारी भी फाइनली बस आ चुकी है, हम लोग ट्रैवल इसी बस से करेंगे। ये वेट कर रहे थे बिकॉज अंदर भीड़ थी, कुछ लोग अपना सामान एडजस्ट करवा रहे थे। हमने अपना सामान रख दिया था पीछे और हम लोगों से बैठना था। फिर हम लोगों ने फिर अंदर एंट्री करी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी धीरे धीरे। ये हमारे बस का लुक है, देखिए कैसा है, बहुत कंजस्टेड होता है, कुछ समझ में नहीं आता है बस में। बस करना, ट्रैवलिंग करना बहुत मजबूरी होती है, वरना मुझे तो ट्रेन का ही सफ़र सबसे अच्छा लगता है। बट टिकट नहीं हो पाई थी इस वजह से हम लोगों को यहीं पर बस में ही करना पड़ा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी गाइस, क्या बताएं। कौन सी ये? और ये था हमारा, मतलब कह लो जो भी, छोटा सा बॉक्स टाइप में बैठने के लिए, बस इतना सही स्पेस था। और बहुत मतलब कंजस्टेड लग रहा था, मुझे बस इतना थोड़ा सा डर लग रहा था कि बाबू कहीं परेशान ना करे, क्योंकि छोटी सी जगह थी। और हमारी बस भी चल दी थी 10 बजे करेक्ट, वहाँ से चल दी थी फजलगंज से। और जैसे ही बस चलने लगी बाबू भी थोड़ा सा खुश हो गया था, वो खेलने लगा था थोड़ा सा, उसका भी मन मतलब डाइवर्ट हो गया था। और बस थोड़ा सा हमें ना बाबू की टेंशन हो रही थी कि वो हमें परेशान ना करे, बट इन्जॉय करा उसने काफ़ी। और एंड में वो इन्जॉय करके थका, थोड़ा खाना ना खाया, फिर खाना खा के वो सो गया था। और हम लोगों को इस बस के अंदर, मतलब कल्पना बस के अंदर, हमें सिर्फ क्या कहते हैं 2 कंबल मिले थे और 2 पिलो मिला था, इतना ही मिला था। बाकी ठीक था, सफाई थी काफ़ी, साफ सफाई के साथ उन्होंने मेंटेन करके दिया था, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी थोड़ी सी और स्पेस होता तो अच्छा लगता, क्योंकि स्पेस की थोड़ा सा मतलब ऐसी गर्मी में थोड़ा सा ही लगता है कि थोड़ा सा खुली और जगह होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी बस है, बस के लिए इतना ही मिल गया, बहुत है, घर थोड़ी ना है जो हम इतना सोच रहे हैं इसके बारे में। बस बाबू इंजॉय कर रहा था, यही बस हमको टेंशन है, सबको बाय बाय कर रहा था।
जो भी मिल रहा था, जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी सबको बाय बाय करते हुए जा रहा था, और इन्जॉय उसने खूब किया। एंड में उसने खाना खाया, खाना खा के वो सो गया था। गाइज मैं भी सो गई थी, पता ही नहीं चला मॉर्निंग कब हो गई। बस गए थोड़ी देर हम बैठे, बैठने के बाद जैसे गाड़ी चलने लगी थी हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के फिर हम लोग सो गए। सुबह पता ही नहीं चला कैसे हो गई, और सुबह जब हुई तो हमने देखा कि ग्रेटर नोएडा पार कर चुकी थी बस, और हम लोगों का भी थोड़ी सी दूरी पे घर रह आ गया था, मतलब रह गया था बस, ये मान लो कि 20 से 25 किलोमीटर रह गया था। और हम लोगों को अक्षरधाम बीच में ही रुक जाना था, हम लोग अक्षरधाम उतर गए थे क्योंकि गाड़ी वहाँ क्या कहते हैं कश्मीरी गेट तक जा रही थी। हम लोग कश्मीरी गेट नहीं जाना था, हम लोग अक्षरधाम उतर गए थे। अक्षरधाम से मेरा घर पास पड़ता है, और हम लोग हमारा अक्षरधाम भी आ गया। हम लोग उतर गए, फिर वहाँ पे हमने रिक्शा लिया घर जाने के लिए। और ये है मेरी गणेश नगर की गलियाँ, जहाँ से हम लोग मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी है यहाँ से, कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो यहीं से पैदल स्कूल जाते थे, और फ्रेंडों के साथ मस्ती करते हुए, और मतलब इतना मतलब जब आप कहीं पुरानी जगह आओ तो ये सब देख के कितना अच्छा लगता है ना, कि आज भी है, और कितना मतलब हम लोग छोटे पे कितना यहाँ पर घूमे हैं, कितना आए जाए हैं। और ये मेरा घर भी आ गया था गाइज़। मम्मी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पापा तो वेट करते करते चले गए थे क्योंकि उनको जाना था काम पर, तो वो निकल गए थे। बस मम्मी थी घर पे, मम्मी कह लगी बहुत लेट कर दिया तुम लोगों ने आने में, पापा वेट करते करते चले गए। और हम पहुंच गए अपने घर। मम्मी जब तक गेट खोल रही हैं गाइस, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मेरी मम्मी ने गेट खोल दिया, मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।